गुड मॉर्निंग क्लास, नाउ वेलकम बैक टू आवर ईवीएस क्लास फॉर क्लास फोर्थ। सो बेटा, अभी एक थोड़ा बहुत गैप आ गया था हमारी स्टडी के बीच में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर स्टडी। सो प्रीवियसली हमारा चैप्टर चल रहा था ईटिंग टुगेदर, जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और हम बुक एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली थी, दैट इज एट पेज नंबर 23। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर क्वेश्चन आंसर विच इज़ एट पेज नंबर 24। तो जो 24 पे क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर हमें लिखना है। सो लेट्स सी, आई थिंक आप लोगों ने इसके आंसर्स भी सर्च कर लिए होंगे, क्योंकि अभी जो गैप था उसमें आपने किया होगा, और नहीं किया है तो अभी देख लेते हैं। ओके, सो टेक आउट फर्स्ट, दिस इज योर नोटबुक, चैप्टर 3, ईटिंग टुगेदर, हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट वन इज स्नैक, सेकेंड मील, थर्ड फीस्ट, फोर्थ क्यूजिन, फिफ्थ कम्युनिटी, सिक्स पैसेंजर, सेवन बुफे, एट पैंट्री, नाइन कैटरर, टेन डिश। सो बेटा, दिस 10 वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन हियर, ओके, एंड यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स। आपको ये इधर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना भी है, एंड यू हैव टू लर्न इट, स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करनी है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक ईटिंग विद द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? फैमिली के साथ ईटिंग, यानी कि फैमिली के साथ खाना खाना बैठ के जो ईटिंग टुगेदर हम करते हैं, वो क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? हमने जो चैप्टर्स पढ़ा था तो मैम ने एक्सप्लेन किया था आपको, तो कुछ याद है? और नहीं याद है तो फिर भी हम तो ये एक साथ बैठ के हम लोग लंच डिनर करते हैं ना, तो ये क्यों ज़रूरी होता है, टेल मी। ओके, नाउ लुक हियर, ईटिंग विद द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन बॉन्डिंग टुगेदर बाय ईटिंग टुगेदर। यस, ये क्या करता है बेटा, हमारे बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करता है। इट हेल्प्स इन बॉन्डिंग टुगेदर बाय ईटिंग टुगेदर। हम साथ में बैठ के खाते हैं, हम बातें शेयर करते हैं, हम पूरे दिन का रूटीन जो भी हमारा रहता है वो शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बीच में, हम सभी के बीच में क्या करता है, बॉन्डिंग क्रिएट करता है। एक साथ बैठ के हम बातें भी शेयर करते हैं उस टाइम, खाना भी खाते हैं, तो ये सब इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी बॉन्डिंग, हम उस वक्त हमारी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, एक साथ बैठ के हम बातें इंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं, सो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स। ओके, क्वेश्चन आप बुक में से लिखेंगे और आंसर्स आपको मैम जो फोटोज़ आपके पास जो क्लिक जाएगा उसमें से लिखना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन आप बुक से लिखेंगे। गिव एग्जांपल्स ऑफ टू स्पेशल ओकेजन्स व्हेन यू गेट टुगेदर विथ योर रिलेटिव्स एंड ईट टुगेदर। कोई से भी टू एग्जांपल्स आपको बताना है जब आपकी पूरी फैमिली एक साथ किसी स्पेशल ओकेजन पे एक साथ रहती है और उस दिन ईट टुगेदर होता है, सब एक साथ खाना खाते हैं। सो ऐसे कौन कौन से ओकेजन है, आंसर्स तो आपको पता ही होगा क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता है। द टू स्पेशल ओकेजन्स व्हेन वी गेट टुगेदर विद आवर रिलेटिव्स एंड ईट टुगेदर आर बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। यस, बर्थडे और एनिवर्सरीज, इस पर हम सब एक साथ मिलते जुलते हैं, एक साथ खाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ लंगर? लंगर क्या होता है? लंगर इज़ अ कम्युनिटी गैदरिंग वेयर पीपल ईट टुगेदर, कुक फूड एंड ईट फूड इन अ कॉमन किचन। यस, गुरुद्वारे में लंगर होता है, देखा आपने, तो वो एक कम्युनिटी गैदरिंग होती है, यानी कि उस कम्युनिटी, उस समुदाय के सभी लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ भोजन पकाते भी हैं और एक ही उनका कॉमन किचन होता है लंगर। लंगर तो वैसे कोई भी उसमें जा सकता है, खा सकता है। लंगर की टर्म देखें कि लंगर होता क्या है, तो ये एक कम्युनिटी गैदरिंग है जो कि गुरुद्वारे में होता है, वेयर पीपल गेट टुगेदर, वहाँ लोग मिलते हैं और खाना भी बनाते हैं और खाते भी हैं और उनका एक ही कॉमन किचन होता है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मिड डे मील स्कीम? अब मिड डे मील स्कीम क्या होता है, अब आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा, ये तो हमने पढ़।
सो ये आपने पढ़ा है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें ये स्कीम्स होती है, और भी डिटेल में देखते हैं कि और क्या होता है ये। मिड डे मील स्कीम ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। यस, ये क्या है बेटा? स्कूल लंच प्रोग्राम है। स्कूल में बच्चों को लंच अवेलेबल होता है इसमें। तो ये मिड डे मील स्कीम ऑफ इंडिया, ये इंडिया की स्कीम है, जो कि इसमें क्या होता है, इज़ द लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा स्कूल लंच प्रोग्राम है, जिसमें क्या होता है, बच्चों को स्कूल में लंच दिया जाता है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, और इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं देना होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बाय इन गवर्नमेंट स्कूल एंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और ये हमारी गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है। तो मिड डे मील स्कीम क्या है, ये लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स ओके प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज फिफ्थ, इन एरोप्लेन्स हु सर्व्स मील्स टू द पैसेंजर। एरोप्लेन में मील्स यानी कि भोजन कौन, या खाने का जो भी है सामान, वो कौन अवेलेबल कराता है, कौन सर्व करता है, बताओ कौन सर्व करता है? पैसेंजर को, जो उसमें बैठते हैं। तो हम अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या हैं, हम पैसेंजर हैं। ओके, तो पैसेंजर को मील्स वगैरह कौन एरोप्लेन में सर्व करता है? यस, एयर हॉस्टेस। इन एरोप्लेन एयर हॉस्टेस सर्व फूड टू द पैसेंजर। पैसेंजर को एयर हॉस्टेस मील्स फूड ये सब एयर हॉस्टेस सर्व करती है। सो बेटा, यू हैव टू मेंटेन योर नोटबुक इन दैट मैनर। इनफैक्ट इससे भी सुंदर और इससे भी अच्छा आपको आपकी नोटबुक लिखना है और बनाना है, ठीक है? ये यहाँ पर लिखना है और लर्न करना है, देन क्वेश्चन आंसर लिखना है। क्वेश्चन आप बुक में से लिखेंगे और आंसर आपको मैम जो देंगी पिक्चर्स उसमें से लिखना है, ठीक है? और प्रॉपर वर्क करना है, हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन, इस बात का ध्यान रखें। और पहले भी और बच्चों को गुड मिला है, उनकी नोटबुक उन्होंने अच्छा वर्क किया है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपको भी गुड मिले। ओके, सो टिल चैप्टर 3 यू हैव टू कम्प्लीट योर वर्क टिल चैप्टर 3, गॉट इट? ओके, नाउ बाय बाय एंड टेक केयर।